बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड वासियों के लिए सौगातों की बारिश कर रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का भी वितरण करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची के 5 जिलों से जो है लाभुकों का महाजुटान होगा और लगभग 5 लाख लाभुकों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए लगातार हेमंत सोरेन राज्य में सौगातों की बारिश कर रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भी वितरित करेंगे और 5 लाख लाभुकों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। जी, 5 जिलों से। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसकी यह फ्लैगशिप योजना है और इस फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य के वैसे सभी 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह जो है सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। और इसको लेकर के आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जो जिले हैं उनके लाभुकों के बीच पहली किस्त की जो राशि है आज वो मुख्यमंत्री के हाथों दी जाएगी। और इसको लेकर के नामकुम में जो ट्रेनिंग मैदान है उस मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें लगभग अगर हम कहें तो 3 लाख वर्ग फुट में पंडाल बनाया गया है जिसमें जो दक्षिणी छोटानागपुर के जो सभी 5 जिले हैं रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, ये सभी जिलों का गुमला, ये सभी जिलों के जो लाभुक हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है। वो यहाँ आएंगे और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों तो इस योजना की पहली किस्त की राशि जो है वो लेके जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए यह एक बड़ी योजना है और इसको लेकर के जो है आज प्रशासन के तरफ से काफी व्यापक तैयारी की गई है, खास करके जो बाहर के जिलों से जो लाखों की संख्या में जो लाभुक यहाँ जुटने वाले हैं उन लाभुकों को आने में कोई परेशानी ना हो। और ये जब इतने बड़ी संख्या में जो है विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आए तो शहरवासियों को अपने दैनिक दिनचर्या में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसको लेकर के ट्रैफिक को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है। कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से जो आने वाले हैं वो रिंग रोड का इस्तेमाल करके उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल है वो रिंग रोड के करीब बनाया गया है ताकि वहां आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। जो पंडाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लाख वर्ग फीट में बनाया गया है पंडाल, उसमें जो लाभुक है उनके जाने के लिए अलग अलग 3 गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि उससे होकर ही सभी जा सके। तो एक तरह से कहा जाए कि यह जो है आज इस एक भव्य कार्यक्रम में इस योजना के जो लाभार्थी हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उन सभी लाभार्थियों को आज इसकी राशि मिलेगी। इसके पहले मैं बता दूं कि अलग अलग प्रमंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर वहां के लाभुकों को इस राशि की पहली किस्त जो है सरकार के तरफ से जारी की गई है। और इस योजना के विषय में एक बार फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि झारखंड सरकार की यह फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह जो है सरकार के तरफ से दिया जाएगा। इसके और ये राशि जो है हर महीने के 15 तारीख तक उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो आज उसको लेकर के जो लाभुक है, खास करके जो विभिन्न जिलों से जो महिलाएं आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो महिलाएं आ रही हैं, उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन महिलाओं के खाते में ₹1,000 होगा जिसे वो अपने मर्जी के हिसाब से खर्च कर सकेंगी और इसको लेकर के जो है काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी अवंतिका जी, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर एक ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर एक्स हैंडल सोशल मीडिया पर और उन्होंने साफ तौर पर जो है विपक्ष पर ये निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमने जो है ये 3 हफ्तों में ये लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है और इसीलिए विपक्ष हताश नजर आ रही है और इस योजनाओं को रद्द करने में लगी है। मनोज जी, देखिए अवंतिका, जैसा कि अमूमन होता है राजनीति होती है हर चीजों पे, खास करके क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और एक तरह से कहा जाए सरकार के तरफ से यह जो फ्लैगशिप योजना शुरू की गई है चुनावी वर्ष में मतदाताओं को लुभाने का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता है वो सरकार के तरफ से आकर्षित हो रही, तो इसको लेकर के विपक्ष के निशाने पर रही है सरकार। और विपक्ष ने इस योजना को लेकर के कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने इस बात को लेकर के कहा है कि सरकार ने जो वायदे किए थे
कि प्रत्येक महिला को 3,000 रुपये प्रति माह देंगे, उसे 1,000 रुपया दे करके उसे भरमाने की कोशिश की गई है, उन्हें ठगने का कोशिश किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम कहेंगे तो इस योजना को लेकर के एक झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, और इस याचिका को लेकर के जो है सत्ता पक्ष के तरफ से सीधे निशाना साधा जा रहा है कि यह याचिका जो है इस योजना को रोकने के लिए सरकार को की जो गति है उसको धीमी करने के लिए यह विपक्ष के इशारे पे किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष इन इस मुद्दे को लेकर के जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, और एक तरह से कहा जाए इस योजना को लेकर के जो है राजनीति भी अब शुरू हो गई, खास करके क्योंकि चुनावी वर्ष है, अगले 2 माह बाद जो है झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा का, तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है कोई अप्रत्याशित जिसे कहा जाए वो नहीं माना जा सकता, ये कहा जा सकता है कि इस तरह की योजनाओं को लेकर के ये सारी चीजें सामने आती हैं। बावजूद इसके अगर हम कहेंगे तो सरकार के तरफ से इन योजनाओं को लेकर के काफी जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो सरकार जो है तेजी से आगे बढ़ रही है, और अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सभी प्रमंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके वहां के लाभुकों को इसकी पहली किस्त की राशि दे दी गई है, और आज जो है अगर हम कहेंगे तो दक्षिणी छोटानागपुर के जो सभी 5 जिले हैं रांची गुमला सिमडेगा खूंटी और लोहरदगा, इन सभी 5 जिलों के जो लाभुक हैं उनको उनके खाते में आज यह जो है राशि चली जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए सरकार ने जो वायदे किए थे जनता को लेकर के इस योजना को लेकर के कि हम हर माह 1,000 रुपये 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं हैं राज्य की उनको देंगे, तो उसके दिशा में अगर कहा जाए तो यह सरकार का एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। बहुत धन्यवाद मनोज जी इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जो है मुख्यमंत्री वो वितरित करेंगे, और हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन राज्य में जो है लगातार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का होगा वितरण। रांची में 5 जिले के लाभुकों का होगा महाजुटा। 3 लाख से ज्यादा लाभुकों की आने की है संभावना। राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत सोरेन राज्य में लगातार कर रहे हैं सौगातों की बारिश, और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का होगा वितरण। रांची में 5 जिले के लाभुकों का होगा महाजुटान, और 3 लाख से ज्यादा लाभुकों की आने की है संभावना।